हेलो फ्रेंड्स, पहले प्यो गाइड वन के इस पार्ट वन की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम प्यो गाइड वन के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। पूरी प्यो गाइड वन इसमें हम कवर करने वाले हैं। इसमें सेक्शन वन में आता है जनरल, और जिसका सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पोस्टल डिपार्टमेंट किस तरह से बनाया गया है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, न्यू दिल्ली। उसके बाद में आता है द डीजी आल्सो फंक्शंस एज द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल बोर्ड एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये पीओ गाइड वन 1985 की अपडेटेड है, जिसमें कहा गया है कि डीजी आल्सो फंक्शन एज चेयरमैन, चेयरमैन के तौर पर काम करता है पोस्टल सर्विस बोर्ड, पोस्टल बोर्ड का, और सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, क्योंकि इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जैसे कि हम देख सकते हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है प्रदीप्ता कुमार बिसोई और डायरेक्टर जनरल पोस्ट है विनीत पांडे। मतलब ये दो अलग अलग लोग यहाँ पर रहेंगे, लेकिन पीओ गाइड वन में अलग ही दिया है। तो इसलिए ये करेक्शन आप नोट कर लेना कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वही चेयरपर्सन रहेगा पोस्टल सर्विस बोर्ड का, ठीक है। ये यहाँ पर चेयरपर्सन रहेंगे पोस्टल सर्विस बोर्ड के, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वही सेक्रेटरी ही चेयरपर्सन रहेंगे, लेकिन डायरेक्टर जनरल पोस्ट ये अलग रहेंगे। तो फिलहाल करंट में आज की डेट में प्रदीप्ता कुमार बिसाई ये सेक्रेटरी है और विनीत पांडे ये डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। तो ये याद में रखना, पीओ गाइड वन में करेक्शन कर लेना, या फिर आप अगर नोटबुक लेके बैठे हैं तो एक उसमें मार्क कर लीजिए। तो ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है डीजी आल्सो फंक्शन एज द चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी, तो चेयरपर्सन तो रहेंगे लेकिन सेक्रेटरी नहीं रहेंगे। सेक्रेटरी अभी फिलहाल दूसरे है। सेक्रेटरी कौन है? तो सेक्रेटरी प्रदीप्ता कुमार बिसाई है जो चेयरपर्सन है पोस्टल सर्विस बोर्ड के, लेकिन डायरेक्टर जनरल जो है वो विनीत पांडे है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द एंटायर कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 16 पोस्टल सर्कल। तो ये भी एक करेक्शन कर लीजिए पीओ गाइड वन में कि सर्कल जो है वो भी 16 के जगह पे 23 हो गए हैं। ये करेक्शन कर लीजिए इस पीओ गाइड वन में। अंडर अ पोस्टमास्टर जनरल, तो ये भी करेक्शन कर लीजिए, पोस्टमास्टर जनरल नहीं रहेंगे, चीफ पोस्टमास्टर जनरल रहेंगे। 23 सर्कल है और सीपीएमजी उसके हेड रहेंगे सर्कल के। तो यहाँ पर सर्कल के नाम और उनकी हेडक्वार्टर के नाम दिए गए हैं, तो इसको हम शॉर्ट में पढ़ लेते। लेकिन यहाँ पर 16 ही दिए, लेकिन हमारे पास अभी 23 सर्कल है, तो हम उनको अलग से देखते हैं। ओके, तो ये हेड ऑफ द सर्कल यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें हमें पूरी डिटेल मिल सकती है। तो आंध्र प्रदेश जिसका सर्कल का हेडक्वार्टर रहेगा विजयवाड़ा, असम का गुवाहाटी, बिहार का पटना, उसके बाद छत्तीसगढ़ का रायपुर, दिल्ली का दिल्ली में ही है, गुजरात का अहमदाबाद, हरियाणा का अम्बाला, हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरला त्रिवेंद्रम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट सर्कल शिलोंग और ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, तमिलनाडु का चेन्नई एंड तेलंगाना का हैदराबाद, उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और वेस्ट बंगाल का कोलकाता। तो इस तरह हमारे ये 23 सर्कल्स रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि हर एक सर्कल में पोस्टल डिविजन्स रहेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, हर एक सर्कल में पहले रीजन्स आएंगे और रीजन्स के अंदर डिवीजन आएंगे। तो सर्कल के हेडक्वार्टर हेड ऑफ द सर्कल चीफ पोस्टमास्टर जनरल, उसके बाद में आते हैं रीजन के हेड रहेंगे पोस्टमास्टर जनरल, और उसके बाद में आएंगे डिवीजन जिसके हेड रहेंगे सुपरिटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट। तो ये नोट कर लेना, तीनों सर्कल के हेड चीफ पोस्टमास्टर जनरल, रीजन के हेड पोस्टमास्टर जनरल और डिवीजन के हेड सुपरिटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट। उसी के अलावा एक आरएमएस रहेंगे, रेलवे मेल सर्विस
उसमें जो ऑफिस है आरएमएस ऑफिस और सेक्शंस, उसके जो हेड रहेंगे वो सीनियर सुपरिटेंडेंट आरएमएस रहेंगे या फिर सुपरिटेंडेंट आरएमएस रहेंगे, ठीक है। तो ये इतना नोट कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पीओ गाइड वन में कहा गया है द हेड ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस इज डायरेक्टर आर्मी पोस्टल सर्विस, तो ये कहा गया है पीओ गाइड वन में, लेकिन एक्चुअली क्या है ये हम देखते हैं इसके आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके हेड ऑफ द सर्कल है एडिशनल डायरेक्टर जनरल एपीएस, जो कि करंटली डीवी महेश, और इनका एड्रेस है आर्मी पोस्टल सर्विस एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ एपीएस वेस्ट ब्लॉक आर के पुरम न्यू दिल्ली 66। तो हेड ऑफ एपीएस रहेंगे, आर्मी पोस्टल सर्विस के हेड कौन रहेंगे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एपीएस। तो ये भी एक करेक्शन पीओ गाइड वन में कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है हेड कौन है, यहाँ पर बोला गया है डायरेक्टर एपीएस कहा गया है, तो ये अभी हो गए हैं एडिशनल डायरेक्टर। तो ये करेक्शन आप इसमें कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑफिसेस। तो तीन प्रकार के ऑफिस है, हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। पहले ईडी बीओ थे लेकिन अभी वो बंद हो गए, अभी सिर्फ ब्रांच ऑफिस। तीन ऑफिस कौन से, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, ये याद में रख लेना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में सबसे पहले जो है दो एचओ और एसओ, ये सारे प्रकार के काम करते हैं। बीओ कुछ रिस्ट्रिक्टेड काम करते हैं, जैसे बुकिंग, मनी ऑर्डर के, सेविंग, डिपॉजिट, विड्रॉल, इसके अलावा रजिस्टर और पार्सल बुकिंग, डिलीवरी, ये सब लिमिटेड काम बीओ करते हैं। उसके बाद में कहा गया पब्लिक के हिसाब से दोनों सेम ही रहेंगे, बीओ और एसओ और एचओ, उनके हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से वो सारे काम सेम ही रहेंगे। और इसके बाद कहा गया कि कुछ पोस्ट ऑफिस ऐसे भी है जो कुछ काम नहीं करते, तो उनकी लिस्ट पार्ट थ्री में दी गई है, पीओ गाइड पार्ट थ्री में, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद कहा गया है कुछ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद नोट करना, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जगह है, सिटीज़ है, जहाँ के हेड ऑफिस के चार्ज एक गैजेटेड ऑफिसर रहते हैं। द हेड ऑफिसेस इन द मोर इम्पोर्टेंट सिटीज़ आर इन द चार्ज ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स, तो आपका जो हेड है वो गैजेटेड लेवल के रहते हैं ऑफिसर, तो ऐसे पोस्ट ऑफिस को फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस कहेंगे। ऐसे जो हेड ऑफिस है जहाँ पे इंचार्ज गैजेटेड ऑफिस है, तो उनको हम कहेंगे फर्स्ट क्लास हेड ऑफिसेस, और उनके जो हेड रहेंगे उनको कहेंगे फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर। और इनके पास सुपरिटेंडेंट की जो पावर है वो पावर इनके पास भी रहती है, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर इज इक्विवेलेंट टू सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर सीनियर सुपरिटेंडेंट नहीं कहा गया, यहाँ पर सिर्फ सुपरिटेंडेंट कहा गया है, ये याद में रखना। सुपरिटेंडेंट की जो पावर है वही इनकी पावर रहेंगी, ठीक है, ये याद में रख लेना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये अभी गलत है, ये जो मार्क किया है वैल्यू पेबल आर्टिकल एंड मनी ऑर्डर विल नॉट बी बुक्ड, तो अभी ये बुक कर सकते हैं, तो ये भी करेक्शन कर लेना पीओ गाइड वन में। वैल्यू पेबल आर्टिकल मनी ऑर्डर विल बी बुक्ड टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस, आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पे वीपी और एमओ बुक हो सकती है। उसके बाद देखते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्किंग आवर पोस्ट ऑफिस के जो है वो फिक्स किए जाते हैं हेड ऑफ द सर्कल द्वारा। द वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिसेस आर जनरली फिक्स्ड बाय द हेड ऑफ द सर्कल, पीओ गाइड वन में कहा गया है, ये याद में रखना। हेड ऑफ द सर्कल वर्किंग आवर फिक्स करते हैं पोस्ट ऑफिस के, और ये कहाँ पर दिया है, क्लॉज फाइव में, पीओ गाइड में के क्लॉज फाइव में वर्किंग आवर्स दिया गया है पोस्ट ऑफिस के, और ये कौन डिसाइड करते हैं, हेड ऑफ द सर्कल। हाउएवर, लेकिन डायरेक्टर जनरल में एक्सटेंड वर्किंग आवर्स ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM कौन कर सकते हैं, डायरेक्टर जनरल। पहले कौन करते थे, हेड ऑफ द सर्कल वर्किंग आवर डिसाइड करते हैं पोस्ट ऑफिस के, लेकिन डायरेक्टर जनरल उसको बढ़ा सकते हैं। वर्किंग आवर कौन फिक्स करते हैं, हेड ऑफ द सर्कल, लेकिन बढ़ा कौन सकते हैं, डायरेक्टर जनरल, याद में रखना। हेड ऑफ द सर्कल मतलब कौन हो गए, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, CPMG वर्किंग आवर डिसाइड करेंगे, लेकिन DG डायरेक्टर जनरल जो है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं DG, इसके अलावा वो उनको पोस्ट ऑफिस को संडे को भी ओपन करने के ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते थे पहले, हेड ऑफ द सर्कल यानी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वर्किंग आवर किसी पोस्ट ऑफिस की डिसाइड करते हैं, उसके बाद में डायरेक्टर जनरल आके वो बढ़ा देते हैं और संडे को भी खोलने के ऑर्डर दे देते थे, ठीक है, याद में रहेगा। दिस पोस्ट ऑफिस विल बी टर्म नाइट पोस्ट ऑफिसेस,
तो ऐसे पोस्ट ऑफिस जो 8:30 बजे तक रात को ओपन रहते हैं, जो संडे को भी काम करते हैं, उनको हम नाइट पोस्ट ऑफिस कहेंगे। एंड विल ट्रांजैक्ट दोज ट्रांजैक्शन विच हैव बीन ऑथराइज बाय द डायरेक्टर जनरल इन दिस रिगार्ड। मतलब डायरेक्टर जनरल ही टाइम बढ़ा रहे तो वही बताएंगे ना कौन से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से काम करेंगे, विल ट्रांजैक्ट दोज ट्रांजैक्शन विच हैव बीन ऑथराइज बाय डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल जो उनका टाइम बढ़ा रहे, जो उनको संडे को भी ओपन करने वाले रहे हैं, वही बताएंगे कि कौन से काम भी इनको अथॉरिटी दी गई है कौन से काम करने के लिए। तो ये याद में रह जाएगा नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में। उसके बाद में ये कौन से काम करेंगे एक्सटेंडेड आवर में, तो सारे काम करेंगे बुक मनी ऑर्डर बुक सॉरी बुक रजिस्टर आर्टिकल वीपी आर्टिकल और टीएमओ, ये तो बंद हो गए। आईपीओ सेल करेंगे, पोस्टेज स्टैम्प बेचेंगे, एसबी में डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉल करेंगे, कैश सर्टिफिकेट एनएससी केवीपी जो है वो भी बेच सकते हैं, लेकिन उसका टाइम रहेगा 7 बजे तक वीकडेज में, वर्किंग आवर यानी वीकडेज मंडे टू फ्राइडे 7 बजे तक कर सकते हैं ये। पेमेंट ऑफ टीएमओ विल ऑल्सो बी इफेक्टेड अप टू 6:30, ये तो बंद हो गए अभी टीएमओ। तो ये क्या क्या करते हैं, बुकिंग करते हैं, एसबी डिपॉजिट करते हैं 7 बजे तक। ठीक है, एसबी डिपॉजिट 7 बजे तक करेंगे, बुकिंग का काम 8:30 बजे तक चल सकता है। उसके बाद में ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडे एज वेल एज अदर प्यू हॉलीडे द नाइट पोस्ट ऑफिस फंक्शन एंड ऑब्जर्व रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर। तो संडे को और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे के दिन भी नाइट पोस्ट ऑफिस काम करते हैं, लेकिन उनका टाइम जो है वो चेंज हो जाता है इस दिन। दीज ऑफिस वर्क फॉर वन शिफ्ट ओनली फ्रॉम 10 to 17 आवर्स। यानी संडे को और जो नेशनल हॉलीडे उस दिन ये नाइट पोस्ट ऑफिस 10 से 5 बजे तक ही काम करेंगे। संडे को और नेशनल हॉलीडे के दिन ये 10 से 5 ही काम करने वाले। द डिलीवरी फंक्शन ऑफ द ऑफिस आर एंटायरली सस्पेंडेड, यानी डिलीवरी का काम बंद रहेगा और मनी ऑर्डर पेमेंट का भी काम बंद रहेगा, सेविंग बैंक के डिपॉजिट सर्टिफिकेट के डिपॉजिट इस सब का काम भी बंद रहेगा। कौन से दिन, संडे को और हॉलीडे के दिन, नेशनल हॉलीडे। उसके बाद में कहा गया नाइट पोस्ट ऑफिस आर इंडिकेटेड इन द लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस इन पार्ट थ्री। तो ये पार्ट थ्री जो है जिसमें पोस्ट ऑफिस की लिस्ट दी गई थी, पार्ट थ्री प्योर गाइड पार्ट थ्री मतलब पोस्ट ऑफिस की सारी लिस्ट, लेकिन अपने पास नहीं है। उसके बाद आता है मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में देख लेते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस कहाँ कहाँ फंक्शन करते हैं उसके बारे में दिया गया है यहाँ पर। बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली मद्रास अहमदाबाद नागपुर हैदराबाद बेंगलोर कानपुर पुणे जयपुर एंड भिलाई इंडस्ट्रियल टाउनशिप, यहाँ पर ये मोबाइल पोस्ट ऑफिस काम करते हैं। दीज मोबाइल पोस्ट ऑफिस काय के लिए बनाए गए हैं, तो ये लेट पोस्टिंग की फैसिलिटी देने के लिए अलग अलग एरिया में सिटी के अलग अलग भाग में लेट पोस्टिंग यानी लेट कोई पोस्टिंग करना चाहता है लेटर की, तो उसके लिए नाइट पोस्ट ऑफिस दिए गए हैं। इसका एक शेड्यूल रहेगा, उस शेड्यूल के हिसाब से वो पर्टिकुलर एरिया में जाते जाएंगे। इसमें वीपी और इंश्योर्ड आर्टिकल इंक्लूड नहीं रहेंगे, ये एक्सक्लूड किए गए हैं वीपी और इंश्योर्ड आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद में दीज ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे एंड हॉलीडे। संडे को बंद रहेंगे ये, हॉलीडे को भी बंद रहेंगे। उसके बाद में मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज सेल स्टैम्प, स्टैम्प सेल करेंगे, स्टेशनरी सेल करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जो अभी बंद हो चुकी है तो उसको छोड़ दो, सरफेस एंड एयर मेल रजिस्टर आर्टिकल भी ये बुक करेंगे लेटर के, इंश्योर्ड आर्टिकल बुक नहीं करेंगे, वीपी भी बुक नहीं करेंगे। उसके अलावा एयर पार्सल भी बुक करेंगे और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल फॉर डिस्पैच ये भी ये करेंगे। उसके बाद कहा गया कि मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस एट मद्रास एंड नागपुर आर आल्सो परमिटेड टू बुक मनी ऑर्डर। मद्रास और नागपुर के जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो मनी ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं, मद्रास मतलब चेन्नई। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म। इसके बाद देखते हैं बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स के बारे में देखा जाए तो शॉर्ट में देखते हैं। नॉर्मल वीकडेज, नॉर्मल वीकडेज में बिजनेस आवर क्या रहते हैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं। बिजनेस आवर मतलब क्या, तो जिस टाइम पे पोस्ट ऑफिस या आरएमएस का काम चलेगा, ऑफिस का पब्लिक के रिलेटेड जो भी काम है वो जिस टाइम पे चलेगा उसे हम बिजनेस आवर्स कहेंगे। तो इस टाइम पे क्या होगा, नॉर्मल पब्लिक जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकती है, पब्लिक के लिए ये बिजनेस आवर्स रहेंगे। और ये किस हिसाब से किया जाता है, तो लोकल कन्वीनियंस के हिसाब से, और मेल कब आती है और कब जाती है, अराइवल एंड डिस्पार्चर ऑफ मेल, उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि उसका बिजनेस आवर्स क्या रहेगा।
उस टाइम पे, मतलब बिजनेस आवर जब ख़त्म होता है उस टाइम पे सारे जो ट्रांजैक्शंस है वो टोटली बंद किए जाएंगे। तो बिजनेस आवर्स के बारे में देख लेते हैं, कौन से बिजनेस आवर्स है हमारे। तो रेफरेंस या इंक्वायरी के लिए पूरे दिन चल सकता है, एंटायर वर्किंग आवर्स। यानी रेफरेंस अगर करना है या इंक्वायरी करना है, पोस्टेज स्टैम्प बेचना है, तो पूरा ऑफिस का जितना भी टाइम है, 9 से 5 या 10 से 6 जो भी है, वो पूरे टाइम हम कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल। रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, वीपी आर्टिकल या पार्सल, ये सब हमें अगर बुक करना है तो 6 से 7 घंटे, 6 to 7 आवर्स। रजिस्टर बुकिंग स्पीड या वीपी बुकिंग, पार्सल बुकिंग, ये सारे बुकिंग के काम 6 से 7 घंटे चलेंगे, और सैटरडे को ये 5 घंटे चलेंगे और 3 बजे जनरली बंद हो जाएंगे। नॉर्मल वीकडेज में बुकिंग का काम 6 से 7 घंटे चलेगा, सैटरडे को बुकिंग का काम 5 घंटे चलेगा और बंद हो जाएगा मैक्सिमम 3 बजे। उसके बाद में आगे देखते हैं मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर, उसके अलावा सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टेज, पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शन। यानी मनी ऑर्डर बुकिंग का, आईपीओ सेल या आईपीओ पेमेंट का काम, एसबी डिपॉजिट, एनएससी डिपॉजिट, ये सारे जो काम है वो 5 घंटे चलेंगे, ये सब काम 5 घंटे चलेंगे, और सैटरडे को ये 3 घंटे चलेंगे और बंद हो जाएगा 1 बजे। मनी ऑर्डर बुकिंग, आईपीओ सेल, आईपीओ पेमेंट, एसबी डिपॉजिट, सर्टिफिकेट का इशू, ये सारे ट्रांजैक्शन जो है, टीआरसी बिल लेना, ये सब 5 घंटे चलेंगे वीकडेज में, सोमवार से शुक्रवार, और शनिवार को ये 3 घंटे चलेंगे। उसके बाद में कहा गया है बीओ जो है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, वो मैक्सिमम 5 घंटे तक चालू रह सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट कहा गया है जिसकी जगह पे आना चाहिए बीओ। बीओ जो है वो 5 घंटे मैक्सिमम ओपन रह सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट, बाद में कहा गया जो बुकिंग का टाइम है, जितने घंटे तक बुकिंग चलेगी उतने घंटे तक ही उनका जो डिलीवरी का टाइम है वो भी वैसा ही रहेगा। जितने घंटे तक बुकिंग का काम चलता है, और अगर विंडो डिलीवरी के लिए कोई आदमी आता है तो उसको भी उतने टाइम तक ही विंडो डिलीवरी मिल सकती है, जितने टाइम तक बुकिंग का काम चलता है। बहुत सारे आरएमएस ऑफिसेस, स्टेशनरी आरएमएस ऑफिस जो है, मतलब जो एक ही जगह पे खड़े हैं ऐसे आरएमएस ऑफिस, वहाँ पर बुकिंग का भी काम चलता है, रजिस्टर आर्टिकल, पोस्टेज स्टैम्प सेल का भी काम चलता है। तो इनके जो आवर्स है, कितने घंटे ये काम करते हैं, यहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा उस ऑफिस में। ये सारी लिस्ट जो है पीओ गाइड 3 में दी गई है, जो अपने पास नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर लेटर बुकिंग का काम और पोस्टिंग ऑफ करस्पॉन्डेंट जो ऑर्डिनरी है उनका भी काम चलता है, लिमिटेड पीरियड बियॉन्ड द नॉर्मल शेड्यूल टाइम। यानी जो नॉर्मल टाइम है उसके बाद भी ये काम चलता है, लेकिन उसके लिए लेट फी लगती है। उसके लिए क्या लगती है? लेट फी। तो ऐसे ऑफिसेस की लिस्ट अपेंडिक्स में दी गई है, तो जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कुछ ऑफिस ऐसे भी रहते हैं जो नॉर्मल टाइम के बाद भी बुकिंग करते हैं, उनको लेट फी लेके काम किया जा सकता है। तो हमने तो बोल दिया कि लेट फी लगती है, लेकिन कितनी लेट फी लगती है, तो उसका भी एक चार्ट है। अगर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है तो 2 रुपये लगेंगे पर आर्टिकल, अगर रजिस्टर आर्टिकल है तो 3 रुपये लगेंगे पर आर्टिकल, और अगर स्पेशल एडिशनल लेट फी चार्ज पर आर्टिकल, स्पेशल एडिशनल लेट फी भी रहती है जो भी रहेंगी वो 3 रुपये। तो अनरजिस्टर आर्टिकल के लिए 2 रुपये, रजिस्टर आर्टिकल के लिए 3 रुपये, और स्पेशल एडिशनल लेट फी चार्ज पर आर्टिकल रहेगी 3 रुपये। तो ये लेट फी के चार्जेस नोट करके रख देना। अब इसके बाद कहा गया है बिजनेस डन ऑन संडे एंड पीओ हॉलीडेज। संडे को और पोस्ट ऑफिस के जो हॉलीडे, उस दिन भी कुछ काम होता है क्या? तो सारे पोस्ट ऑफिस संडे को और पीओ हॉलीडे को बंद रहेंगे, सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस चालू रहेंगे, सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे को चालू रहेंगे, ये पॉइंट नोट करके रखना। और संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे को लेटर बॉक्स भी क्लियर नहीं होंगे,
डिलीवरी मेल की भी नहीं होंगी, तो ये पॉइंट्स याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लेटर पोस्टिंग की, मान लो जो अपना टाइम है लेटर पोस्टिंग का, उसके बाद भी अगर लेटर पोस्ट करने हैं तो लेट फी देके ऐसे लेटर पोस्ट किए जा सकते हैं। कहाँ पर किए जा सकते हैं ये काम? तो लेटर बॉक्सेस एट आरएमएस ऑफिस और सिलेक्टेड ऑफिस, कुछ सिलेक्टेड ऑफिस है वहाँ पर किए जा सकते हैं, और आरएमएस के जो लेटर बॉक्स है वहाँ पर लेट फी लगा के हम आर्टिकल को पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी पोस्टिंग हम लेटर बॉक्स के मेल वैन के जो लेटर बॉक्स है, आरएमएस की जो मेल वैन रहती है उसके जो लेटर बॉक्स है वहाँ पर भी इनकी पोस्टिंग कर सकते हैं। सच पोस्टिंग कैन आल्सो बी मेड इन द लेटर बॉक्सेस ऑफ द मेल वैन ऑफ आरएमएस सेक्शन, लेकिन उनको लेट फी लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है कि मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल, मतलब फ्रैंकिंग के जो आर्टिकल है उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना है, या तो फिर वो पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स हो या मेल वैन का लेटर बॉक्स हो, फ्रैंकिंग वाले आर्टिकल लेटर बॉक्स में नहीं जाने चाहिए वरना वो अनपेड ट्रीट किए जाएंगे। याद रखना, फ्रैंकिंग वाले आर्टिकल अगर लेटर बॉक्स में डालते हैं तो उसे अनपेड ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद में दिया गया है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पैकेट के बारे में। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और उनके जो पैकेट रहते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के, उनको संडे को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, पोस्ट ऑफिस हॉलीडे को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। किसको? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इनको संडे को और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, और इनके ऊपर कोई भी लेट फी नहीं लगेंगी। लेकिन इन्हें कौन सी जगह पे पोस्टिंग करनी पड़ेगी? प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस, इन तीन जगह। कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग करनी पड़ेगी? प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस। तो ये तीन जगह पे इनको संडे को भी पोस्टिंग कर सकते हैं, लेट फी भी नहीं लगेगी। इसको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इनको प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकते हैं संडे को भी और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे को भी विदाउट एनी लेट फी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते अभी। उसके बाद में दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के बारे में, जो अभी बंद हो गई है इसलिए इसको नहीं देखना है। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद में ये टेलीग्राफ ब्रांचेस के बारे में दिया गया है, वो भी अभी हमारे इसमें नहीं है इसलिए इसको भी काट दो। उसके बाद में है पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, इसमें 16 दिए हैं, एक्चुअली है 17, ठीक है। पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज कितने हैं अभी? 17 टोटल पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज रहेंगे अभी 17, ये पॉइंट याद भी रखना। उसके बाद में देखते हैं पेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो रूल 9 है डिजायबिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज, पोस्टेज पहले से पेड करने की जरूरत क्यों है उसके बारे में ये बताया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस की कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आर्टिकल रिसीवर के पास पहुंचा दिया जाए, लेकिन ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर स्टैम्प पूरे नहीं लगे हैं या स्टैम्प कुछ भी नहीं लगाए हैं, ऐसे आर्टिकल को ना तो कोई सिक्योरिटी मिलेगी और ना ही उनको स्पेशल डिलीवरी के साथ भेजा जाएगा, बल्कि उनको डिटेन किया जाएगा पोस्ट ऑफिस में, उनको ड्यू लगाने के लिए रोका जाएगा और उनको दूसरी नेक्स्ट डिलीवरी के साथ भेजा जाएगा। इसीलिए पोस्ट ऑफिस में प्रीपेमेंट यानी पहले से स्टैम्प लगाने जरूरी है। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं, पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी। पोस्टेज का जो पेमेंट है वो ऑर्डिनरीली जनरली हम पोस्टेज स्टैम्प के रूप में ही करते हैं जो पोस्ट ऑफिस ने इशू किए गए हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस कुछ स्टेशनरी भी इशू करता है जिसके ऊपर पहले से स्टैम्प लगाए हैं, जो कि एम्बोस स्टैम्प जिसको कहते हैं। इसमें आते हैं एनवलप, इनलैंड लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड, ये एम्बोस पोस्टेज स्टैम्प इनके ऊपर लगे रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एम्बोस पोस्टेज स्टैम्प वाले कौन कौन से आर्टिकल है? एनवलप, इनलैंड लेटर कार्ड और
पोस्ट कार्ड जिसके ऊपर उनके जो अमाउंट है उसने अमाउंट के एम्बोस पोस्ट स्टैम्प ऑलरेडी लगे हुए हैं। अगर इन एम्बोस स्टैम्प से भी ज़्यादा के स्टैम्प अगर लगते हैं तो बाकी के जो अमाउंट है उसको पोस्ट स्टैम्प लगा के हम पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर लेटर 20 ग्राम तक का है तो हम 5 रुपये के स्टैम्प से वो चला जाता है जो कि ऑलरेडी उसके ऊपर लगा रहता है, लेकिन अगर 20 ग्राम से ज़्यादा 40 ग्राम तक है तो उसके ऊपर 5 रुपये का स्टैम्प और लगाना पड़ता है। पोस्टल स्टैम्प के डिनोमिनेशन और उनकी वेराइटी, पोस्टल स्टेशनरी की वेराइटी, इसके बारे में इसमें अपेंडिक्स में दिया गया है, इसे बताया गया है यहाँ पर। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस रेवेन्यू स्टैम्प भी सेल करता है, लेकिन इनका यूज़ पोस्टेज के रूप में नहीं किया जा सकता। रेवेन्यू स्टैम्प का यूज़ पोस्टेज स्टैम्प के रूप में नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद में दिया गया है फ्रैंकिंग मशीन के बारे में। इससे पहले हमने देखा था फिलेटेली के बारे में, फिलेटेली के जो ओवरसीज ऑर्डर है वो बॉम्बे जीपीओ से पूरे होते हैं। फ्रैंकिंग मशीन के बारे में कहा गया है कि फ्रैंकिंग मशीन क्या है, एक स्टैम्पिंग मशीन है और इसका यूज़ किया जाता है स्टैम्प इम्प्रेशन के लिए। इसमें कमीशन भी मिलता है जो कि यहाँ पर दिया गया है 1.5% परमिशेड कमीशन, यहाँ पर 1.5% रहेगा फ्रैंकिंग मशीन के यूज़ करने के लिए। और इसमें दो प्रकार के डाय रहेंगे, एक वैल्यू डाय और दूसरा रहेगा लाइसेंस डाय। उसके बाद में ऑथराइज्ड फ्रैंकिंग डीलर की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, मिस एमएस रेनियो, एमएस जिलैंडर्स, उसके बाद में मैकनील, ये सारी लिस्ट दी गई है पीओ गाइड 1 में फ्रैंकिंग मशीन जहाँ से हम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि यूज़ ऑफ फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और लाइसेंस कौन देगा, तो यहाँ पर कहा गया है पोस्टल डिवीज़न के जो हेड है यानी सुपरिटेंड यहाँ पर फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस देगा ऐसा कहा गया, लेकिन वॉल्यूम 5 में ये हेड ऑफ सर्कल कहा गया है, तो ये एक कन्फ्यूजन है, आप देख लेना। अगर पीओ गाइड 1 के हिसाब से करते हैं तो हेड ऑफ पोस्टल डिवीज़न लाइसेंस इशू करेंगे फ्रैंकिंग मशीन के, और अगर बिना लाइसेंस के कोई यूज़ करता है तो वो प्रोहिबिटेड रहेगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी को फ्रैंकिंग मशीन लेनी है तो हेड ऑफ पोस्टल डिवीज़न यानी सुपरिटेंडेंट को एक अप्लीकेशन देना पड़ेगा, और किसके थ्रू, थ्रू द ऑथराइज डीलर के थ्रू, और लाइसेंस कंपलसरी है फ्रैंकिंग मशीन यूज़ करने के लिए। आगे देखते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि फ्रैंकिंग मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पोस्ट ऑफिस में हम पोस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 पोस्ट ऑफिस को में हम फ्रैंकिंग मशीन के जो आर्टिकल है वो पोस्ट कर सकते हैं, और परमिशन किसने दी होगी, सुपरिटेंडेंट ने, जिसने लाइसेंस दिया है वो बताएंगे कि कौन से 2 पोस्ट ऑफिस में आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो किसी को सिर्फ एक ही पोस्ट ऑफिस चाहिए तो वैसा कर सकता है, एक ही पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकता है। उसके बाद में अगर मान लो किसी 2 पोस्ट ऑफिस में चाहिए तो ये 2 पोस्ट ऑफिस कौन से रहेंगे, या तो एक पोस्ट ऑफिस रहेगा, मतलब दोनों के दोनों या तो पोस्ट ऑफिस रह सकते हैं या फिर एक पोस्ट ऑफिस और एक नाइट पोस्ट ऑफिस रह सकता है। अगर सिर्फ सिंगल पोस्ट ऑफिस चाहिए तो पोस्ट ऑफिस में करेंगे कोई भी, लेकिन अगर 2 जगह पे पोस्टिंग करनी है तो एक तो दोनों के दोनों जगह पोस्ट ऑफिस रह सकते हैं या फिर दोनों में से एक पोस्ट ऑफिस और दूसरा नाइट पोस्ट ऑफिस रह सकता है। फ्रैंकिंग वाले जो आर्टिकल है उसको काउंटर पे ही लेके आना है, बंडल में बांध के उसकी जो वैल्यू है फ्रैंकिंग की उस हिसाब से, और हर एक कंसाइनमेंट के साथ एक विंडो डिलीवरी टिकट होना चाहिए। ये विंडो डिलीवरी टिकट किसके लिए लगेगा, कि जो फ्रैंकिंग के आर्टिकल लेके आएगा, जो उसका मैसेंजर रहेगा
जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा लाइसेंसी का, जो उसने लाइसेंस लिया है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी टिकट लगती है? विंडो डिलीवरी टिकट। तो विंडो डिलीवरी टिकट क्या है? ये आइडेंटिफिकेशन है किसका? लाइसेंसी रिप्रेजेंटेटिव, तो लाइसेंसी जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव का। तो जब भी ख़त्म होगा डिस्पैच, लास्ट डिस्पैच जब भी होगा दिन के अंत में, या क्लोजिंग आवर, बिजनेस आवर जो भी क्लोज हो रहे, उस टाइम पे जो लाइसेंसी है उसको एक डेली डॉकेट भी देना होगा। एक फॉर्म रहेगा जिसमें पूरी डिटेल रहेगी, कितने आर्टिकल थे, क्या थे, कितना अमाउंट था, और उसके ऊपर साइन भी रहेगी और डेट भी लिखी रहेगी। कब रहेगा ये? विथ द लास्ट डिस्पैच ऑफ द डे, यानी दिन के आखिरी डिस्पैच के टाइम, या फिर दूसरा कब? क्लोज ऑफ द बिजनेस आवर्स, जब भी वो एक्सेप्टिंग लेटर एक्सेप्टिंग का टाइम ख़त्म हो रहा, उस टाइम पे उसको एक डेली डॉकेट देना पड़ेगा जिसमें पूरी डिटेल रहेगी कि कितने आर्टिकल है, पूरी डिटेल रहेगी इस बारे में। तो फ्रैंकिंग मशीन के ऊपर जो भी इम्प्रेशन मारने वाले हैं वो, उसको किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उसका कलर ब्राइट रेड कलर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एकदम, और ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए। और जब तक, जहाँ तक पॉसिबल है, एज फार एज पॉसिबल, दे शुड बी एट द राइट टॉप कॉर्नर, राइट हैंड साइड के जो टॉप साइड है वहाँ पर कॉर्नर है, वहाँ पर ही इनका मार्किंग होना चाहिए, एड्रेस साइड के, ऑन द एड्रेस साइड ऑफ द आर्टिकल इट्सेल्फ। एड्रेस साइट का जो राइट हैंड कॉर्नर है वहाँ पर ही इसकी स्टैंपिंग इम्प्रेशन होना चाहिए फ्रैंकिंग मशीन वाले, या फिर इसको और एन एड्रेस रैपर और एन एड्रेस लेबल, या तो फिर उसको एक लेबल के ऊपर स्टैम्प मार के चिपका सकते हैं उस लेटर को, एड्रेस का एक अलग रैपर बना के उसको हम चिपका सकते हैं, एड्रेस रैपर और एन एड्रेस लेबल फर्मली अटैच टू इट। फ्रैंकिंग की लिमिट कुछ भी नहीं है, कितने भी अमाउंट तक हम फ्रैंकिंग कर सकते हैं। फ्रैंकिंग विल बी अलाउड अप टू एनी लिमिट, मतलब फ्रैंकिंग की कोई लिमिट नहीं है। फ्रैंकिंग के एक से ज़्यादा भी इंप्रेशन हो सकते हैं, देयर मे बी मोर देन वन इंप्रेशन ऑफ द वैल्यू डाई, वैल्यू डाई के एक से ज़्यादा इंप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन लाइसेंस डाई का सिर्फ एक ही इम्प्रेशन होना चाहिए। याद में रखना, वैल्यू डाई के एक से ज़्यादा इम्प्रेशन हो सकते हैं लेकिन लाइसेंस डाई का सिर्फ एक ही इम्प्रेशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कहा गया है कि पोस्टल लेटर बॉक्स जो है उसके अंदर में अगर कोई फ्रैंकिंग वाले आर्टिकल डालता है तो उसे हम अनपेड ट्रीट करेंगे। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो कि प्रीवियस डेट के है, पुराने डेट के है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे जगह अगर मान लो कोई मशीन ख़राब हो जाती है और जो डीलर है उसका खुद का सर्विसिंग सेंटर है, तो ऐसे जगह पे पोस्ट ऑफिस का एक आदमी जाएगा मशीन लेके, और वहाँ पर वो एक आदमी उस पोस्ट ऑफिस के आदमी के सामने ही उसकी सर्विसिंग या रिपेयरिंग होगी इन प्रेजेंस ऑफ पोस्टल ऑफिशियल। और मान लो दूसरी जगह पे लेके जाना है, इन अदर प्लेसेस द मशीन विल बी सेंड टू पोस्ट ऑफिस, तो मशीन को पहले पोस्ट ऑफिस में लाया जाएगा, उसके बाद में उसका कौन से पोस्ट ऑफिस में लाया जाएगा, तो ऐसे पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे उसका डेली डॉकेट रजिस्टर रहता है, तो ऐसे पोस्ट ऑफिस में उस मशीन को लेके जाएगा, उसके बाद में उसका जो लाइसेंस डाई है वो निकाला जाएगा, और उसके बाद में उस मशीन को भेजा जाएगा रिपेयरिंग के लिए। तो दो प्रकार के कंडीशन रहेंगे। पहला कंडीशन, ऐसे कंडीशन इन प्लेसेस वेयर द ऑथराइज डीलर हैव देयर ओन सर्विसिंग सेंटर, तो ऑथराइज डीलर के अगर खुद के सर्विसिंग सेंटर है और साथ में उसके क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ भी है ऑथराइज डीलर का, तो ऐसी जगह पे ही उसे रिपेयरिंग किए जाएगी, लेकिन पोस्ट ऑफिस का एक आदमी वहाँ पर सामने रहेगा रिपेयरिंग के वक्त। और बाकी जगह जहाँ पर ये सब नहीं है, तो ऐसे जगह पे पहले उस मशीन को पोस्ट ऑफिस में लाया जाएगा जहाँ पर उसका डेली डॉकेट रजिस्टर रखा जाता है, और बाद में उसका लाइसेंस डाई जो है वो निकाला जाएगा और बाद में उसको भेजा जाएगा रिपेयरिंग के लिए। तो
मशीन का जो फ्रैंकिंग का रिसेट करना है, फॉर द रिसेटिंग ऑफ फ्रैंकिंग मशीन, फ्रैंकिंग मशीन को रिसेट कहाँ पर किया जा सकता है, तो जो मशीन का होल्डर है उसके प्रीमाइसेस में ही किया जा सकता है, उसके लिए रिसेट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है मशीन में, मीटर में, तो ऐसे केस में इमीडिएटली उस मशीन को स्टॉप किया जाएगा और उसको लाया जाएगा पोस्ट ऑफिस में मशीन का जो मीटर है वो सेट करने के लिए। अब अगर किसी को इसका फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस लेना है तो किस प्रकार से ले सकता है, उसकी कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। पहली कंडीशन क्या है, उसे एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा पोस्टल डिवीज़न के नाम से, हेड ऑफ पोस्टल डिवीज़न यानी एसएसपी के नाम से, और एसएसपी को पावर रहेगी कि वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है उसका लाइसेंस। तो ये तो हो गया लाइसेंस के बारे में। लेकिन फ्रैंकिंग मशीन भी ऐसे ही फ्रैंकिंग मशीन ले सकते हैं जो ऐसे ऑथराइज फर्म है जिनको डायरेक्टर जनरल ने ऑथराइज किया, उन्हीं फर्म से उन्हीं कंपनी की बनी हुई फ्रैंकिंग मशीन ही लेना पड़ता है, दूसरी फ्रैंकिंग मशीन नहीं ले सकते। डायरेक्टर जनरल ने जितने फर्म को ऑथराइज किया है फ्रैंकिंग मशीन बनाने के लिए, उतने ही फर्म से फ्रैंकिंग मशीन लेनी पड़ती, और यूज़ करने के पहले उसे पोस्ट ऑफिस को दिखाना पड़ता कि ये फ्रैंकिंग मशीन हमारी हम यूज़ करने वाले हैं। अगर कोई फ्रैंकिंग मशीन ख़राब हो जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर जनरल के नहीं रहेगी, वो जो फर्म है और जो लाइसेंसी है उन दोनों के बीच में ही इनको मैटर सेटल करना पड़ेगा, और वो दोनों ही अरेंज करेंगे उसको रिपेयरिंग के लिए। डायरेक्टर जनरल इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हर एक मशीन जब भी सप्लाई करेंगे उसको सील किया जाएगा सप्लायर के द्वारा, जब भी वो डिलीवर की जाएगी फ्रैंकिंग मशीन जो लाइसेंसी है उसको, तो उसको सील करेगा कौन, सप्लायर, और पोस्ट ऑफिस भी उसके ऊपर लीड सील, बॉटम में उसके बॉटम में एक लीड सील लगाएंगे पोस्ट ऑफिस वाले, और इस पोस्ट सील को ब्रेक या फिर किसी भी प्रकार से हैंडल नहीं किया जाएगा लाइसेंसी द्वारा। और लाइसेंसी का एक काम रहेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो पोस्ट ऑफिस का जो भी ऑथराइज ऑफिसर है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ऑफिसर वहाँ पर जाके फ्रैंकिंग मशीन का इंस्पेक्शन कर सकता है बिना किसी नोटिस के, वहाँ पर जाएगा और फ्रैंकिंग मशीन का इंस्पेक्शन कर सकता है पोस्ट ऑफिस का आदमी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइसेंसी की रहेगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइसेंसी की रहेगी कि वो स्टेप्स ले फ्रॉडुलेंट यूज़, मशीन का जो फ्रॉडुलेंट यूज़ है उसे रोकने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइसेंसी की रहेगी। इसके अलावा उस फ्रैंकिंग मशीन में एक डिटैचेबल मीटर रहेगा जो निकाल सकते हैं, और पैडलॉक टू द बॉडी मशीन, मशीन की बॉडी को लॉक भी कर सकते हैं, और उसकी की एक किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास रखी होनी चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइसेंसी की रहेगी, जिसके पास वो मशीन है उसकी रहेगी। अब मशीन में जितने अमाउंट का रिचार्ज करना है ऐसा समान लो, तो उतने अमाउंट उसे पोस्टेज का, जितना अमाउंट उसको चाहिए उतना अमाउंट उसको प्रीपेड करना पड़ेगा, पहले से पे करना पड़ेगा जितने अमाउंट का उसको पोस्टेज चाहिए। लाइसेंसी को जितने अमाउंट का पोस्टेज चाहिए उतने अमाउंट की उसको पेमेंट करनी पड़ेगी जब भी वो मशीन परचेस करता है, और ये अमाउंट द सम मस्ट नॉट बी लेस देन ₹100, 100 से कम नहीं होगा और 50,000 से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो लाइसेंसी जब लाइसेंस ये मशीन परचेस करेगा तब उसे एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस को, उतनी अमाउंट फिर वो फ्रैंकिंग मशीन में डाल देंगे। और इसके अलावा रिबेट एट द रेट 1.5%, 1.5% का रिबेट भी मिलेगा जब भी वो मीटर रिसेट करेगा, जितना भी वैल्यू उस ऑफ इम्प्रेशन उसने यूज़ किया है उसका 1.5% तक उसको रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगी। जब भी लाइसेंसी को लगता है कि उसको रिचार्ज करना है, मीटर रिसेट करना है, डिपॉजिट करना है, तो ऐसे केस में वो फ्रैंकिंग मशीन, ही विल प्रोड्यूस द फ्रैंकिंग मशीन विथ द फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक एंड विंडो टिकट एट पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में वो क्या क्या लाएगा, ही विल प्रोड्यूस फ्रैंकिंग मशीन, उसके अलावा फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक और विंडो टिकट, जब भी उसको उसमें एडवांस पे करना है मीटर, मशीन का जो मीटर है उसे रिसेट करने के लिए एडवांस अगर उसको पे करना है, जब भी उसको लाइसेंसी को लगता है कि रिचार्ज करना है या इसमें पैसे डालने हैं मीटर को रिसेट करना है मशीन का, तो ऐसे केस में वो फ्रैंकिंग मशीन, उसके साथ में फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक और विंडो टिकट, ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिस में लाएगा और अप्लीकेशन भी साथ में लाएगा। मशीन, मशीन का जो मीटर है, मीटर ऑफ मशीन विल इन ऑल केस बी रेस्ट एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही
ये सब होगा। मीटर ऑफ मशीन विल इन ऑल केस बी रेस्ट एट द पोस्ट ऑफिस। रीसेट, मीटर ऑफ मशीन इन ऑल केस बी रीसेट, ये रीसेट है, कहाँ पर होगा ये रीसेट? पोस्ट ऑफिस में ही होगा। तो अकाउंट पर्पस के लिए इसके दो रजिस्टर रखे जाएंगे, एक पोस्ट ऑफिस में रहेगा और दूसरा यूज़र के पास रहेगा, जिसमें सारी रीडिंग रिकॉर्ड की जाएगी, साथ में अकाउंट सेटलमेंट की भी डिटेल इसमें दी जाएगी। तो सारी जो सर्विसिंग या रिपेयरिंग है मशीन का, जो भी सर्विसिंग या रिपेयरिंग करना है वो कहाँ पर होगा? विल बी कैरिड आउट, किसके द्वारा कैरिड आउट होगा? ये ऑथराइज सप्लायर के बारे में, ऑथराइज सप्लायर इसको रिपेयरिंग या सर्विसिंग करेंगे, लेकिन कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस के प्रीमाइसेस में ही, लेकिन एक्सेप्ट प्लेसेस वेयर देयर आर सेपरेट सर्विसिंग सेंटर ऑफ द सप्लायर। अगर सप्लायर का खुद का सर्विसिंग सेंटर है तो वहाँ पर भी इसकी रिपेयरिंग हो सकती है, और बाकी केस में इसको पोस्ट ऑफिस के प्रीमाइसेस में ही रिपेयरिंग करना है। अगर मान लो लेटर केस, मतलब सर्विसिंग सेंटर में इसकी रिपेयरिंग हो रही है, सप्लायर का जो सर्विसिंग सेंटर है वहाँ पर इसकी रिपेयरिंग हो रही है, तो ऐसे केस में किसी पोस्टल ऑफिशियल के प्रेजेंस में ही ये रिपेयरिंग होंगी। पोस्ट ऑफिस जो इस आदमी को वहाँ पर भेजेगा उस आदमी के प्रेजेंस में ही रिपेयरिंग होंगी, अगर ये रिपेयरिंग सप्लायर के सर्विसिंग सेंटर में हो रही है। तो अगर मान लो इसकी रिपेयरिंग पोस्ट ऑफिस के प्रीमाइसेस में नहीं हो सकती, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में पहले मशीन को पोस्ट ऑफिस में लाएंगे, उसका जो मशीन है, कौन से पोस्ट ऑफिस में लाएंगे इसको? ऐसे पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर डेली डॉकेट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। किस लिए लाएंगे? फॉर रिमूविंग ऑफ द लाइसेंस डाई, उसका जो डाई है लाइसेंस डाई, उसको रिमूव करने के लिए लाएंगे, और लाइसेंस डाई रिमूव करने के बाद फिर उसको हम रिपेयरिंग के लिए भेजेंगे उस सर्विसिंग सेंटर में। रीसेटिंग, मीटर का जो रीसेटिंग है वो रिपेयरिंग के बाद में पोस्ट ऑफिस में होगा, रिपेयर होने के बाद में वापस उसका रीसेटिंग पोस्ट ऑफिस में ही होगा। तो ये किस चीज़ के लिए? अगर कोई मशीन को पोस्ट ऑफिस के प्रीमाइसेस में रीसेट नहीं, रिपेयर नहीं कर सकते, तो फिर उसको सर्विसिंग सेंटर में लेके जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले उसे पोस्ट ऑफिस में लाके उसका जो डाई है लाइसेंस डाई वो निकाला जाएगा और उसके बाद में उसे भेजा जाएगा सर्विसिंग सेंटर में। रिपेयर के अलावा अगर कोई दूसरे कारण से लोकेशन का चेंज होता है मशीन का, रिपेयरिंग के अलावा किसी दूसरे कारण से अगर मशीन का लोकेशन चेंज किया जाता है, तो वो डिविजनल हेड को और ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, अगर उसका लोकेशन चेंज होता है तो। तो सारे जो स्टैंपिंग के इम्प्रेशन है प्रैंकिंग के मशीन के, वो राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे ही, एड्रेस साइट के राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे ही मारने चाहिए, या फिर उसको एक रैपर या लेबल भी अटैच कर सकते हैं, उस रैपर या लेबल पे भी हम स्टैंपिंग इम्प्रेशन मार सकते हैं। कटआउट लेबल्स जो है जिसके ऊपर प्रैंक इम्प्रेशन लगाए हैं उसको भी प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है कि सिर्फ एक ही, नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा कटआउट लेबल नहीं होने चाहिए प्रैंक इम्प्रेशन वाले, और इम्प्रेशन इन फुल पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड अदर फीस विल बी परमिटेड टू बी अफिक्स्ड ऑन सच पोस्टल आर्टिकल। उसके ऊपर फुल पेमेंट, नॉट मोर देन वन कटआउट लेबल्स बियरिंग द प्रैंक इम्प्रेशन और इम्प्रेशन इन फुल पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड अदर फीस विल बी परमिटेड। तो अगर ये कटआउट लेबल है तो एक ही ऊपर पूरा प्रैंकिंग इम्प्रेशन या फिर जितना भी पोस्टेज या अदर फीस का चार्ज है वो सारा एक ही कटआउट लेबल के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट, जब भी एक से ज़्यादा प्रैंक इम्प्रेशन कटआउट लेबल के ऊपर अगर या रैपर के ऊपर लगाते हैं, तो ऐसे केस में वो दोनों इम्प्रेशन ओवरलैप नहीं होने चाहिए और 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर भी नहीं होने चाहिए। तो ऐसे केस में स्टैंप इम्प्रेशन में क्या होने चाहिए? तो नेम ऑफ फर्म, उस फर्म का नाम, लाइसेंस नंबर, उसके बाद में डेट और स्लोगन, ये सब चीज़ें सिर्फ एक ही बार दिखनी चाहिए और ओवरलैप नहीं होनी चाहिए फ्रैंक इम्प्रेशन के साथ। उसके बाद में कहा गया है कटआउट लेबल जो है उसको सिक्योरली पेस्ट किया जाएगा पोस्टल आर्टिकल के ऊपर, कहाँ पर? ऑन द राइट हैंड साइड, एड्रेस के नाम और
एड्रेस के ऊपर में राइट हैंड साइड पे ये कटआउट लेबल को पेस्ट किया जाएगा। कटआउट लेबल को सेपरेट एड्रेस लेबल के साथ अटैच नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे कुछ एड्रेस लेबल रहते तो उनके ऊपर अलग से फ्रैंक इम्प्रेशन होनी चाहिए। फ्रैंक इम्प्रेशन इन सच केसेस शुड बी टेकन और सच एड्रेस लेबल देम से, उन एड्रेस लेबल के ऊपर ही फ्रैंकिंग इम्प्रेशन होनी चाहिए। कटआउट लेबल फ्रैंकिंग इम्प्रेशन जो एड्रेस लेबल है उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। द कटआउट लेबल शुड हैव द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर प्रिंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सेंडर का नाम और पता भी लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए कटआउट लेबल जो रहेंगे वहाँ पर। द टोटल वैल्यू ऑफ फ्रैंक इम्प्रेशन और इम्प्रेशंस शुड बी रिटन इन फिगर इन रेड इंक ऑन द कटआउट लेबल बिलो द प्रिंटेड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। तो टोटल वैल्यू जो फ्रैंक इम्प्रेशन की रहेगी वो प्रिंटेड नेम एंड एड्रेस, सेंडर का जो नाम और एड्रेस है उसके नीचे में फिगर्स में लिखना पड़ेगा रेड इंक में। इन केस वेयर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इज प्रिंटेड एल्सवेयर, तो नाम और एड्रेस अगर किसी दूसरी जगह पे आर्टिकल के किसी दूसरी जगह पे अगर लिखा होता है सेंडर का नाम और पता, तो ऐसे केस में कटआउट लेबल के ऊपर उसका नाम और पता नहीं रहा तो भी चलेगा, इट विल नॉट बी नेसेसरी। फ्रैंकिंग की कोई लिमिट नहीं रहेगी, कितने भी अमाउंट तक की फ्रैंकिंग अलाउड है। इसका कलर रहेगा ब्राइट रेड कलर, फ्रैंकिंग का ब्राइट रेड कलर रहेगा और ये क्लियर और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ऐसे आर्टिकल को रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है पोस्ट ऑफिस द्वारा। इसका डिस्पैच करने के लिए इसको किसी तो भी पोस्ट ऑफिस में लाना पड़ेगा जो उसके जो परमिशन दी गई है उस पोस्ट ऑफिस में, जिस दिन उसका फ्रैंकिंग रहेगा उसी दिन उसको लाना पड़ेगा। और प्रीवियस या लेटर डेट यानी पहले के या बाद के दिन के अगर फ्रैंकिंग है, अगर या फिर लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए हैं कुछ फ्रैंकिंग के आर्टिकल, तो उनको हम अनपेड ट्रीट करेंगे। दोज बियरिंग प्रीवियस और लेटर डेट्स और पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस विल बी ट्रीटेड एज अनपेड। और जो दो पोस्ट ऑफिस ऑथोराइज किए उसके अलावा किसी अलग पोस्ट ऑफिस में अगर पोस्टिंग करना चाहते तो भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर किसी आर्टिकल के ऊपर प्रिसीडिंग डे यानी कल के दिन की मोर लगी है तो ऐसे आर्टिकल को एक्सेप्ट किया जा सकता है। कंडीशन यह है कि उसके ऊपर जिस दिन प्रेजेंट कर रहे उस दिन का लाइसेंस डाई भी लगा होना चाहिए और हर एक कंसाइनमेंट के साथ एक विंडो टिकट भी होनी चाहिए जो लाइसेंसी है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके रिप्रेजेंटेटिव या उसका जो सर्वेंट है लाइसेंसी का उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए विंडो टिकट होनी चाहिए। ईच कंसाइनमेंट शैल बी अकम्पनाइड बाय द विंडो टिकट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंसीज सर्वेंट और रिप्रेजेंटेटिव। फ्रैंकिंग का हर एक डिस्पैच, जितने भी आर्टिकल है फ्रैंकिंग वाले, उनका हर एक डिस्पैच एक सेपरेट बंडल में किया जाएगा वैल्यू ऑफ फ्रैंक के हिसाब से। लास्ट डिस्पैच के साथ में लाइसेंसी जो है उसको डेली डॉक्यूमेंट भी पोस्ट ऑफिस को देना पड़ेगा। हर एक मशीन के लिए जितनी मशीन है उतने डेली डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। लाइसेंसी के पास जितनी मशीन है उतने मशीन के लिए अलग अलग डेली डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अगर किसी केस में लाइसेंसी को दो पोस्ट ऑफिस में पोस्टिंग करने की परमिशन दी गई है तो लास्ट डिस्पैच उसने जिस ऑफिस में किया है उस ऑफिस में उसे डेली डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर कुछ गलती होती है फ्रैंकिंग मशीन इंप्रेशन के इसमें तो उसे रिफंड मिल सकता है, अलाउंस मिल सकता है, लेकिन कितना, लेस डिडक्शन ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के 5% कम मिलेगी उसमें, लेस डिडक्शन ऑफ 5% ऑन फेस वैल्यू। उसके लिए उसे सरेंडर करना पड़ेगा जो एनवलप या फिर जो रैपर है उसे, जो फ्रैंकिंग इंप्रेशन जिसकी गलती हो गई है वो वाला एनवलप या रैपर उसे सबमिट करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, तो उसे एक अलाउंस मिलेगा 5% लेस रहेगा फेस वैल्यू के, उतना उसको अलाउंस मिल सकता है, लेकिन उसमें टाइम लिमिट रहेगी 3 महीने के। डेट स्टैम्प इंप्रेशन के बाजू में एक एडवर्टाइजमेंट डिवाइस भी हो सकता है लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है,
कि ये पहला एडवर्टाइजमेंट जो है बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड ही होना चाहिए लाइसेंसी के, और उसका इम्प्रेशन या आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो टोटली अलग होना चाहिए। लाइसेंस नंबर से भी अलग होना चाहिए, डेट स्टैम्प और पोस्ट मार्क से भी उसका अलग इम्प्रेशन होना चाहिए, और ये टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे होना चाहिए एनवलप या कार्ड के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एडवर्टाइजमेंट डिवाइस का इम्प्रेशन होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ कटिंग द डाइज इज मेड बाय द लाइसेंसी, इसका प्राइस कॉस्ट जो है लाइसेंसी देगा। तो ये सारी कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है तो परमिशन नहीं मिलेगी, साथ ही उसको परमिशन लेनी पड़ेगी हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन की ये एडवर्टाइजमेंट डिवाइस लगाने के लिए। हेड ऑफ डिवीजन उसको परमिशन दे सकता है, कितने भी स्लोगन से एडवर्टाइजमेंट लगा सकता है वो लाइसेंसी, इसकी परमिशन हेड ऑफ डिवीजन दे सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक आर्टिकल के ऊपर एक ही स्लोगन या एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। एक बार अप्रूव्ड हो गई है तो वो एडवर्टाइजमेंट में फिर कोई चेंज नहीं हो सकती है, और अगर चेंज करना है तो उसको हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन यानी एसएसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर लाइसेंसी कोई कंडीशन फॉलो नहीं करता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन करता है, तो उसका लाइसेंस हेड ऑफ पोस्टल सर्कल, यहाँ पर पोस्टल सर्कल कहा गया है, तो हेड ऑफ पोस्टल सर्कल उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा अगर लाइसेंसी को कोई भी लॉस होता है तो। अगर लाइसेंसी ने कुछ एडवांस दिया है तो उसको रिफंड किया जाएगा, या फिर उसके ऊपर कुछ ड्यू है तो वो उससे रिकवर की जाएगी। ये ऊपर में जितनी भी कंडीशन दी गई है वो सारी कंडीशन डीजी पोस्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो इसके बाद के वीडियो में हम कंडीशन देखेंगे फ्रैंकिंग मशीन हायरिंग के लिए, जो कि हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये पीओ गाइड वन का पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के टॉपिक लेके।